भारत के नए संसद भवन की चमक ने दुनिया के कई देशों को चकाचौंध कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस शान से नई संसद बिल्डिंग का उद्घाटन किया और सेंगोल की स्थापना की, उसका प्रभाव पूरी दुनिया के दूसरे देशों में भी देखा जा रहा है। पड़ोसी देश चीन ने भी भारतीय संसद की जमकर तारीफ की है, लेकिन इसे संदेह की नजरों से देखा जा रहा है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में भारत के नए संसद भवन को महान प्रतीक के तौर पर बताया है। संपादकीय में लिखा गया, नया भवन भारतीय राजधानी को औपनिवेशिक युग के निशान से मुक्त करता है, इसलिए ये महानता का प्रतीक है। इसकी कई वजह है। हाल के सालों में भारतीय कूटनीति के आगे चीन की एक चाल सफल नहीं हो पा रही है। मोदी सरकार ने दुनिया में एक उभरते हुए भारत की छवि पेश करने में कामयाबी पाई है। दुनिया के कई मुल्कों में भारत को शक्तिशाली देश के तौर पर देखा जा रहा है। जापान से लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आदि मुल्कों से भारत के संबंध पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हुए हैं। साथ ही भारत ने उन देशों के साथ दोस्ती को और पुख्ता बनाने में सफलता भी हासिल की है, जहां चीन या तो डेरे डालने की कोशिश करता रहा या फिर जो मुल्क चीन के विस्तारवाद को नापसंद करते रहे। चीन पश्चिमी देशों और खास तौर पर अमेरिका का विरोधी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को अमेरिका यात्रा पर भी जाने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है उससे पहले चीन ने नए संसद भवन की तारीफ करके दोनों देशों के बीच दरार पैदा करने का पासा फेंकने के प्रयास किए हैं। ग्लोबल टाइम्स में चीन ने भारत की राष्ट्रीय गरिमा को बनाए रखने और अधिक स्वतंत्र रहने की इच्छा भी व्यक्त की है। संपादकीय में लिखा गया है कि भारत को वास्तव में एक सभ्य देश के अपने आध्यात्म दर्शन और सांस्कृतिक इतिहास को मजबूती से प्रदर्शित करना चाहिए और पश्चिमी देशों की राजनीति के जाल में नहीं फंसना चाहिए।